एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 11 बजने को सिर्फ 4 मिनट रहे हुए हैं। आज हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम घूमने के लिए, जब आप लोग वीडियो देख रहे हो तब आप लोगों को पता लग जाएगा लास्ट में कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। और वहाँ अपना इतनी सुंदर जगह है, सब कुछ इतना सुंदर सुंदर है वहाँ पे, तो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। बस तो हमें मिली है यहाँ से जाने के लिए, तो लंबी व्यू अच्छा होगा तो जरूर दिखाऊंगी। मेरे साथ है मेरी प्यारी मम्मी जी, तो दोस्त होते तो मैं दोस्तों के साथ घूमने जाती, बट आई हैव नो फ्रेंड्स, मम्मी के साथ ही जाती हूँ। तो बस अभी चलनी है, तो मम्मी ने मेरे लिए एक आइसक्रीम लिया, तो इसके जो ऊपर जो है ये जाली जैसी, ये बड़ी टेस्टी होती है खाने में। 10:40 और बस चल पड़ी है यहाँ से जोगिंदर नगर 75 सर का घाट 14 और रिवाल सर 22 किलोमीटर है यहाँ से। कितना सही व्यू है यहाँ से। पहले तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे पहुंचे तो इतनी सारी भीड़ थी, मतलब घर से निकलते टाइम हमें ये नहीं था पता यहाँ पे मेला लगा हुआ है। जब यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ देखी तब पता लगा जाके कि मेला है। पहले तो मैंने सोचा कोई फंक्शन वगैरह होगा, पर हम जब दूसरी साइड आए घूमने के लिए तो पता लगा कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है और वहाँ पे मिक्की माउस डला हुआ है और बहुत सारी दुकानें डली हुई हैं। वैसे आप लोग आओगे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा सुकून मिलता है आकर। घूमने के बाद मैंने सोचा थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं और मिक्की माउस में झूल लेती हूँ मैं। वैसे यहाँ पे जाने नहीं देते हैं, पर भैया ने पता नहीं कैसे जाने दे दिया मेरे को। तो हम Oh,
आए हम आइसक्रीम खाने के लिए, स्पेशल आइसक्रीम। खोया कुल्फी, बीस की खोया कुल्फी। यहाँ पे है जू, ये लिया मैंने ये। गोलगप्पे खाने के लिए, टूटा हुआ गोलगप्पा दिया मेरे को। पर इन्हें खाना देने के लिए मना किया हुआ है। ऐसी मछली थी मेरी पुचकी और डुचकी, इन लोगों ने उनको ओवरडोज खाना दिया, फिश फूड दिया उनको और वो मर गई। उसके बाद मैं इतना डिप्रेशन में चले गई थी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरा व्यू, सबसे बड़ी मूर्ति। और यहाँ पे कुछ फंक्शन है आज, हमारी भी वीडियो बना लो, ये बोल रहे हैं ऐसा। तो गाना गाते हो बाबा? हाँ गाओ। तो ओ जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है प्यार तुझे दिया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ओ जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। गुड जॉब, बाय बाय। सो फनी बॉयज। लोग देखे जो कि मतलब चाइनीज थे, लेके जा रहे थे और ये बांध रहे थे यहाँ पे। तो ये इतने सारे पहले ये बहुत कम थे, और फिर यहाँ पे कोई त्योहार या कुछ फंक्शन वगैरह होता होना इनका, उसके बाद इन्होंने इतने सारे बांधे हैं। ये देखो उस साइड, और इससे पटली साइड भी लोग बांध रहे थे। और कोई मन्नत मानते हैं उससे पूरी होती है। हमारे कल्चर में बोला जाता है ना कि डोरी में बांधते हैं, तो शायद इनके कल्चर में ये बोला जाता होगा कि ये बांधो तो मन्नत मानते हैं। ऐसे कुछ ज्यादा पता नहीं है क्योंकि उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, पर अपने अपने कल्चर में सब लोग ढले हुए हैं, अपने कल्चर में सब लोग ढले हुए हैं और इसको अच्छे से फॉलो करते हैं। वैसे तो यहाँ पे लोग बैठ के ऐसी फोटो लेते होंगे अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ। तो मेरा कोई है नहीं, मेरे पास कोई है नहीं, तो हम ऐसे खुद का फोटो लेंगे यहाँ बैठ के। मेरे को नॉर्मल चला के सिर्फ एक ये जगह अच्छी लगती है, और एक ऊपर वो जो आप देख रहे हैं साइड कैमरा मैन, उस साइड कैमरा वहाँ पे जो ये सबसे बड़ी मूर्ति है वो, और सब दूसरी जगह मेरे को ये फिश अच्छी लगती है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं होता। मतलब होता है इतना अच्छा नहीं लगता, पर ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आज मैं साइड दिखाती हूँ। इतने ज्यादा लोग, तो वहाँ पे इतने ज्यादा लोग फोटो ले रहे थे, और अब हम जा रहे हैं नीचे वाली साइड। यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे लोग खाना खाते हैं, बैठते हैं और सोते हैं। वैसे तो मैक्सिमम सभी लोग मैंने सोते हुए देखे यहाँ पे, इतने रिलैक्स होके कौन सो सकता है। ये है डक बतख, 15 मिनट उसी जा आजा। पानी देख के मेरे को डर लगता है, और ज्यादा गहरा पानी देख के तो मेरे को और डर लगता है। तो पहले भी लगता था, अब भी लगता है, बट मेरे को नहीं पता मैंने वहां पे इतना बड़ा स्टंट कैसे मारा। स्टंट भी नहीं था वो वहां पे जाने के लिए, मम्मी मेरे को रोक रही थी, फिर मैं चली गई। तो ये जो यहाँ पे ग्रेल लगी हुई है, इसके आगे जो पानी बहुत गहरा है, तो वहां पे आप लोग नहीं जा सकते। और आप देख सकते हैं टॉप पे, वहाँ पे तो हम जा पाएंगे पता नहीं। इस बतख को बहुत ज्यादा खारिश लगी हुई है। बाइट 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 टू कुछ
फर्स्ट टाइम मम्मी, फर्स्ट टाइम मेरे को इतने पिद्दू कुत्ते से कोई डर नहीं लग रहा, मेरे को इतने पिद्दू कुत्तों से मेरे को कोई डर नहीं लग रहा। वैसे इनके दांत भी पहने होते हैं। छोटा बड़ा फ्लैग चाहिए, छोटा यहाँ पे मिल नहीं रहा, ये है छोटा। कितने का भैया? 50 के 3, 50 के 1, 1 20, 2 दे 2 पहले देख कितना है लेंथ। ठीक है इसकी लेंथ, नहीं ठीक है इसकी लेंथ, किस साइड लगाना है? इस साइड। हाँ ये वाला कर दो भैया एक ना। भैया ये शैम्पू है ना? हाँ, कैसे मीटर है ये? 200 रुपए में का, 250, 150 वाला खत्म हो गया। 1 किलो चेंज नहीं है ले लिया ये। कुछ तो लेके जाते हैं घर यहाँ से। कुल्फी खाने के बाद अब एक और खा रहे हैं, पेट नहीं भरा हमारा एक कुल्फी से। तो पहले वाली खोया कुल्फी खाई, वो काफी ज्यादा टेस्टी थी, इसमें इतना टेस्ट नहीं आया, बिल्कुल बेकार। आजकल इंस्टाग्राम पे इनकी सब्जी बनाई जा रही है साग, और इसको टच करोगे तो एक बार भी निकल जाएगी तुम्हारी खाज। तो ऐसा हुआ कि नीचे हम घूम लिए सारे, फिर एक चीज थी जो सबसे सबसे ज्यादा खतरनाक चीज थी, मतलब कि जो कि मेन चीज है यहाँ की, जिसको बहुत कम लोग देखने के लिए जाते हैं क्योंकि उनसे चला नहीं जाता। तो यहाँ से आप लोग व्यू देख सकते हो पूरा। आजकल ये वाले फूल ज्यादा खिल रहे हैं। ओह थक चुकी है यार, खड़ी चढ़ाइए। तो ऊपर बुद्धा की सबसे बड़ी मूर्ति है, तो उसको देखने के लिए हम जा रहे हैं। और बस तो उसके अंदर मैं पहले भी गई हूँ, एक दो बार मैं जा गई हूँ, जब हम छोटे होते थे तो हम दादी लेके आती थी यहाँ पे घूमने के लिए, बट उस टाइम कुछ और होता था यहाँ पे, अब बदल गया है सब कुछ, बदलाव आ गया है। तो पहुँच जाएंगे हम ऊपर, तो तब तक तो चलना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बुरे थक चुके हैं, हालत खराब हो चुकी है यहाँ पे, पानी पी रहे हैं। चले थोड़ा सा ही है, वो नीचे आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ से आए। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तब बड़ी एक्साइटेड थी जाने के लिए, अब भी हैं क्योंकि अब आए हैं, मतलब कुल मिला के हुए होने 1 या 2 3 साल, 3 साल हुए होने। हम पहुँचने वाले हैं अब ऊपर, थोड़ा सा रहा हुआ है पर थोड़ा सा भी नहीं चला जा रहा। तो जिनको हम थोड़ी देर पहले आतरंगी बतरंगी बोल रहे थे ना, उनको मम्मी बोलते कि उनको क्या बोलते हैं, तिब्बतीय बोलते हैं उनको, ऐसे बोला। अब आगे पता नहीं, आगे तो मम्मी को पता नहीं है क्या होने वाला है। अब 50-100 सीढ़ी होंगी यहाँ से चढ़ने के लिए, अंदर जो गेट देख रहे हैं ना इसके अंदर 50-100 सीढ़ी होंगी चढ़ने के लिए। और ये पूरा नज़ारा, हाय बोरबा मम्मी आइए, 100 सीढ़ियां आपको मुबारक हो। क्या इन सीढ़ियों को मैं एक सांस में चढ़ सकती हूँ? कभी नहीं। मैं तो चढ़ सकती हूँ अगर मुझे मेरे को टारगेट दिया जाए ना, चैलेंज किया जाए, अगर मेरे को चैलेंज किया जाए तो मैं सीढ़ियों को क्या किसी भी सीढ़ियों को चढ़ सकती हूँ। बहुत हालत खराब होती है, तो साइड से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैं कैमरामैन, कॉफी शॉप है यहाँ पे, और नीचे का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हर कोई आना चाहता है, बट जो लोग नहीं चल पाते वो यहाँ पे आ नहीं पाते। पर खूबसूरत बहुत है, रिवालसर डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है ये, डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है ये। और हमारी मंडी में और भी फेमस जगह है जहाँ पे अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को घुमाऊँ और ब्लॉग बनाऊँ। इतने सालों बाद आके यहाँ पे सब कुछ चेंज नजर आ रहा है, पानी देखो अब कितना साफ है, इस पे पत्ता तैरता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा आपको। और इस साइड लोगों के घर हैं, बहुत सारे घर हैं,
अगर कोई इन गलियों में घुस जाए तो उनको पता नहीं लगे कि गली कहाँ को निकलती है। और ऊपर बादल भी कहर बरसा रहे हैं आज, और इस साइड हमारे पहाड़, पहाड़ों के बीच में बसी हुई है ये झील। ओह माई गॉड, इतनी बड़ी मूर्ति ना, इतनी बड़ी मूर्ति है। मैंने गूगल पे सर्च किया था कि इसकी हाइट कितनी है और इसके अंदर क्या क्या है, तो मेरे को वहाँ पे निकला ही नहीं। और इतनी खूबसूरत लगती है, ऐसा लगता है सोने से बनाई हुई है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसको देखती रहूँ यहाँ पे। ऊपर जाते हैं हम भी, देखते हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। जय हो भगवान। ऐसा लग रहा है किसी मूवी की शूटिंग हो रही हो। अलग अलग कल्चर का अलग अलग सिस्टम। पहले हम नीचे गए थे, अब दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं हम ऊपर, जहाँ से पूरा व्यू नजर आएगा और सब लोग घूमते हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि ना एक बार हम भी ट्राई करें। वैसे आज तक मेरे को यही पता लगा कि यहाँ पे जाने के लिए सीढ़ियाँ कहाँ से है, तो बुद्धा के जो बैग में है वहीं से यहाँ पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। और ये देखो हम पहुँच गए ऊपर। इतने टाइम से मैं सोचती थी कि मैं जब जाऊँगी यहाँ पे तो यहाँ पे ऊपर जाऊँगी। वाओ, ऊपर भी जाती हूँ, देख सीढ़ियाँ बनी हुई है। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं तो मरूंगी, मेरे पोस्टर भी ऐसे बनवाना। क्या बता, तिब्बतियों का गुरु और भगवान होते हैं, इनका भी अलग है। ये है पूरा रिवाल्सा। वाओ, इतना खूबसूरत। मम्मी यहाँ पे फोटो लेने के लिए खड़े हुए, जस्ट 2 मिनट रुको। तो पहले हम वहाँ पे थे नीचे, फिर उसके बाद मैंने लोग देखे कि लोग यहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ पे आके तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। उस साइड पहाड़ के पीछे ना, तो पहाड़ के पीछे नैना माता भी है, वहाँ पे बर्फ पड़ती है। और जब बर्फ पड़ती है तब हम कभी आए नहीं। पूरा व्यू तो आप लोगों को दिखा दिया ना, और यहाँ से पूरा व्यू आप लोगों ने देख भी लिया। तो एक रात मैं ऊपर बता दूँ आपको मूर्ति, ये आप लोग देख सकते हैं पूरी मूर्ति यहाँ से। अब हमने जाना है वहाँ पे नीचे, वहाँ पे जहाँ से हम आए थे दोबारा से। तो चलते हैं वापिस से, बहुत हवा चल रही है और मैं जो स्वेटर डाल के नहीं आई हूँ, पता नहीं क्या होगा। मेरा घर पहुँचते पहुँचते ठंड लग रही थोड़ी थोड़ी। जैसे लोग नॉर्मल होते हैं ना, वैसे लोग हैं यहाँ पे, मतलब अच्छे लोग हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है कि हाँ आप ये नहीं करो वो नहीं करो। तो दोस्तों अब हमने घर जाना है, घर बहुत लेट हो रहे हैं। वैसे यहाँ पे रूम वगैरह भी मिलते होंगे रहने के लिए, पर हम यहाँ पे नहीं रह सकते, हमें घर जाना है, तो घर जाना ही पड़ेगा। जूते भी मेरे बहुत गंदे हो चुके हैं। चलते हैं यहाँ से, अभी हमने नीचे पहुँचना है, नीचे पहुँच के हमें बस लेनी है। आरामी से हम ऊपर चढ़े थे, उसी तेजी से हम नीचे उतर गए, उससे डबल तेजी से हम नीचे उतर गए। तो अब घर जाने के लिए हम बस देखेंगे। और स्कूल मिलता है, पर मुझे कोई स्कूल नहीं मिला। हफ्ते ही मेरी और मम्मी की जबरदस्त लड़ाई हुई एक, उस वजह से फिर मेरा माइक टूट गया, और फिर अब मैं बिना माइक के बोल रही हूँ। कुछ मंकी, ऐसा ना कहीं फोन ही ले जाए मेरा मंकी। शॉर्टकट मार के हम बस स्टैंड पहुँच गए, यहाँ से हम बस लेंगे घर जाने के लिए, क्योंकि अब काफी ज्यादा लेट हो रहा है। तो काफी देर इंतजार करने के बाद हमें मिली शीतला बस। तो इन बाबों ने दुखी करके रखा हुआ है, पहले मम्मी से पैसे लिए एक बाबे ने, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद से बोला दे दे माई, मम्मी बोले मम्मी बोलते अभी तो दिए मैंने तेरे को, दोबारा से आ गया था, फिर बोलता ओ मैं भूल गया था, मैं यार अच्छे भले पैर दिए हाथ दिए।
जिनके हाथ पे सब कुछ है, पर ऐसे मांग मांग के धर्म के नाम पे इन लोगों ने ना अधर्म मचाया हुआ है, अधर्म।